मुस्कुराने की वजह तुम हो। ऐसा लगने लगा था कि उसके दिल में, उसके जिंदगी में खालीपन है, बस वही खालीपन हटा देना चाहती थी। पर जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद, मैं नहीं जानती कि किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना पाऊंगी या नहीं। किसी और पर भरोसा कर पाऊंगी या नहीं। किसी और से कभी प्यार कर पाऊंगी या नहीं। जब से वो मेरी जिंदगी से गया है, मेरे दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल है, मैं ही क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। कुछ भी कहा, बेचारी सोच तो रही होगी राहुल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और तूने उसके साथ ऐसा किया क्यों? अब शर्त तो नहीं हार सकता था ना मैं। मैंने जो किया वो सिर्फ जीत का नशा चखने के लिए की। एक सरपीली लड़की की वजह से मैं अपनी शादी टूटने नहीं दूंगा। तेरे तो आज होके रहेंगे। चलो दूर रहो मेरी बहन से। हमारी पीहू, हमारी ज्योति हंसते हुए तुम्हारे बगैर गुजारा कर ही लेंगे। चल। क्यों भाई, लड़की के सामने बोलती बंद हो गई तेरी? यार वैसे तू बड़ा कैसे नोवा बना फिरता है? ए, और तू क्या है, दुनिया भर के कमीनों का बाप समझता है ना खुद को? नींद में भी पटा लेता है ना लड़कियां। चल इसको पटा के देखा तो मैं माना। बोल अच्छा चल डन। अरे झुकाना तो क्या, तोड़ दिया उसको हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि युवराज सिंह शेखावत आज तक कोई भी शर्त नहीं हारा, और जीतने के लिए युवराज कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तू नहीं समझेगा टोनी, ये जो जीतने का नशा होता है ना, उसकी जो लत होती उसका मजा कुछ और नहीं होता, और ये इतनी आसानी से नहीं छूटती। तुम्हारे आंसुओं की कसम कथा, उस जानवर को मैं उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। पर अगर वो यहां आ गई तुझे बदला लेने के लिए, फिर कैसे पहुंचेगी? मैंने अपना कोई भी नामो निशान पीछे नहीं छोड़ा। और कहीं अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो गई तो? भगवान करे ऐसा ना हो। और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली वो लड़की बच्चे को अपना नाम दे देगी। यही कहा था ना उसने मुकेश की शादी में कि एक बच्चे को बाप के नाम की जरूरत नहीं होती। पीहू को ना तुम्हारे जैसे बाप की ना तुम्हारे नाम की कोई जरूरत है। बच्चे की परवरिश के लिए बाप का नाम जरूरी नहीं है, उसकी माँ का नाम ही काफी है। तो अगर बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो दे दे माँ का नाम। इतना दर्द, इतना गुस्सा, इतनी नफरत भर दी उस राहुल ने मेरे अंदर कि मैं नहीं जानती कि अपने बच्चे को दिल खोल कर प्यार दे पाऊंगी या नहीं। कथा, तुम अपने बच्चे को अपना नाम देने जा रही हो, इससे ज्यादा प्यार वाली बात क्या हो सकती? देखो मुझे गलत मत समझना, मैं हमारे बच्चे को अपना नाम देना चाहूंगा, इससे ज्यादा खुशी मुझे हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम उसे अपना नाम दोगी ना तो एक मिसाल कायम करोगी। और हम क्यों कथा का नाम बार बार ले रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा इसी घर में आ रही है। कौन आ रही है?
अरे बता ना, कुछ पूछ रही हूँ, कौन आ रही है? वो भाभी दी, वो भाभी बस आने वाली है ना, निकल गए वो लोग वहां से, बस पहुंचने वाले। अरे हाँ तो ठीक है, तुम लोग जल्दी से खा लो, हमें भी तो लेने जाना होगा ना उन्हें एयरपोर्ट। जी आप चलिए, हम लोग बस आते हैं। खा के नीचे आ जा। हाँ जी। हमारा विमान अब लैंड करने के लिए तैयार है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी सीट की बेड़ी बांध लें। अब डरने की कोई बात नहीं है कथा, आज से तुम्हारा हर डर मेरा और मेरे अंदर जितनी भी ताकत है वो सब तुम्हारी। इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है कथा, मेरे घर पर जिंदगी भर की खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर भाई, भाभी, मैं आ रहा हूं आप लोगों को लेने। फ्लाइट लैंड हुई क्या? अरे क्या पूछ क्यों किया, क्या है ये? बड़ी हूँ ना मैं तुझसे। अगली बार मुझे एयरपोर्ट आने के लिए फोर्स मत करना। मैं एमएलए अभी बना नहीं हूँ, लेकिन लोग जानते हैं मुझे। और हाँ, वैसे भी मुझे तुम्हारी ये नैनीताल वाली भाभी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हाँ, और मुझे क्या पता था कि कबीर वहाँ पर जाकर सब कुछ फाइनल करके आ जाएगा। एनीवे फाइनल किया है उसने, लेकिन अभी शादी हुई नहीं है। बीर भाई से बात हो गई है, बस आने वाले। सास के अरेंजमेंट ऑल डन? डन। ढोल वालों को बोलते ना, जैसे ही मैं इशारा करूं ढोल बजाना शुरू कर दे। ठीक है, ओके। आज भाभी का वेलकम ऐसा होगा जैसे बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटी पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। मंजू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है, मेरे कबीर की शादी हो रही है। अरे मां साहब, मुझे भी खुद को बीच बीच में यकीन दिलाना पड़ रहा है। अब देखो ना, दोनों यहाँ पहुंच भी गए। आ नहीं रहा है ना? आएगा। हवा में एक सौंधी सी खुशबू है, ये मेरा उदयपुर है जो बाहें खोले तुम्हारा स्वागत कर रहा है। दीपा जी क्या कर रहे हो? देखो आप कोई भी पैतरे आजमा लो, सब के सब फेल होने वाले, क्योंकि भाभी को सबसे पहले मैं ही देखूंगा। एंड रिमेम्बर, यू वी इज ऑलवेज फर्स्ट। तो क्या क्या कर रहे हो? फ्लाइट लैंड हो गई, जल्दी चलो। नहीं नहीं, अरे चलो 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 चलो। अच्छा एक बात बताओ, यूवी की इंट्यूशन की पावर देखनी है? हाँ। तो ठीक है, मैं तीन तक काउंट करूंगा, उसके बाद भाई और भाभी हमारे सामने होंगे। ओके ठीक है, शुरू करें। शुरू करो। ओके, वन टू। अरे बारिश हो रही है भाई, क्या बात है, आज तो बिन मौसम बरसात हो गई उदयपुर में। बारिश? पता है उदयपुर में इतनी तेज बारिश नहीं होती है। ये तुम्हारी नैनी ईजा का आशीर्वाद है जो उदयपुर पे बरस रहा है। यार कुछ भी, भाभी है तो बहुत लकी, देखना अपने साथ बारिश ले। ओ नो, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, इतनी मेहनत से जो पपेट्स बनाए थे वो बाहर आंगन में पड़े हैं, बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं अभी हवेली जाता हूँ, उन सबको उठा के अंदर रख देता हूँ। नहीं, तू जाएगा ना सब कुछ गड़बड़ कर देगा,
यार मैंने हर चीज बहुत ही अलग तरीके से रखी है, सारे के सारे धागे सब कुछ अलग तरीके से रखा है, और तुम लोग है ना सब कुछ खराब कर दोगे, मेरे को ही जाना पड़ेगा। पर तू भाभी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है? क्या करे यार, किस्मत ही खराब, अब इतनी मेहनत करी उसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकते ना। एक काम करते, भाभी का वेलकम हवेली में करेंगे, ठीक है? तुम लोग एक काम करो, जल्दी से जाके गाड़ी निकालो, मैं भी आता हूँ, जल्दी, कम ऑन। मासा मैं अभी आता हूँ। इसका मतलब मैंने गलत इसरा, भाभी को सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ। ओ हेलो दादा, उड़ मत, शादी की फंक्शन अभी शुरू नहीं हुए, पहले फंक्शन शुरू हो जाने दे, उसके बाद भाभी खुद कहेंगी कि वीर भाई के जितने भी भाई बहन है ना सबसे फेवरेट मैं हूँ, समझी? चल बाय। मासा देखो, खम्मा गणी मासा, खम्मा गणी। अरे यार क्या हो गया ये सब, तुम लोग एक काम करो, तुम यही रुको, मैं चेंज करके आता हूं। हमें पता है हिंदी फिल्मों में माओ ने ये बात बहुत बार कही है, लेकिन आज मेरा दिल जो महसूस कर रहा है ना वो मैं जरूर कहना चाहती हूँ। जैसा सोचा था ना, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। बरसों से इस इंतजार में थी कि कोई चांद का टुकड़ा मेरे बेटे की जिंदगी में आए और उसकी जिंदगी को रोशन कर दे, लेकिन देखो नैनीताल की नैनी माँ ने मेरी झोली में चांद का टुकड़ा डाल दिया। मॉम, चीचू की मॉम तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, नेचर वाइज कितनी अच्छी है वो। जब दी अपने घर वापस आएगी तो फिर अपने सास की तो शिकायत ही नहीं कर पाएंगी। तुम्हें पता है तुम हमारे लिए कितनी शुभ हो, तुम अपने साथ बारिश लाई हो, और हमारे रन में बारिश का मतलब होता है साक्षात लक्ष्मी का आगमन। भाई मुझे तो मेरे घर की लक्ष्मी मिल गई। लक्ष्मी के घर वाले तो इतने लक्ष्मी वाले नहीं लग रहे। मैडी, अरे तुम वहां क्या कर रही हो? कबीर शेखावत की होने वाली पत्नी, तुमने तो सीधा ही सिक्सर मार दिया। मासा के घर की लक्ष्मी है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जादूगरनी जरूर है गाता, मतलब कबीर भाई को चट मंगनी पट ब्याह के लिए राजी कर लिया। पंडित जी ने कहा था ना कि मौरत के लिए नाम गाथा होना चाहिए, तो मैंने युवराज को कहा था कि कार्ड्स गाथा के नाम से छपवाना, उसके पेट में बात तो रहती नहीं है। तो उसने सारे परिवार वालों को बता दिया कि तुम्हारा नाम गाथा है। कबीर भाई, मैं अभी भी आपसे बहुत गुस्सा हूँ, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। मैडी दी, मतलब आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया शादी करने का अपनी मैडी दी से बिना पूछे? शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मासा ने समझाया है मुझे। अरे ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए युवराज कहाँ है? फोन कर करके उसने परेशान कर दिया था मुझे कि भाभी सा को दिखाओ। अब यहाँ पे है नहीं वो, क्योंकि यूवी ने बड़ी मेहनत की थी भाभी सा के वेलकम के लिए, पर आपकी बिंदड़ी ने तो आते ही बारिश करवा दी। बेचारे को भागना पड़ा ना सामान छुपाने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि युवराज बहुत एक्साइटेड है, जरूर कोई ना कोई तामझाम किया होगा आपकी वेलकम के लिए। तेरी प्रार्थना आकर रंग ले आई हूँ मां, इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हुआ तेरी चेली का। मैं भी आई। हाँ। उमा जी। हाँ जी। अरे माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो हम आपके परिवार के स्वागत की तैयारी शेखावत हवेली में नहीं कर पाए। दरअसल हम चाहते थे कि शादी के बाद ही बहू का गृह प्रवेश हवेली में हो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए,
ऐसा बोल के आप हमें छोटा कर रही हैं। इतना अच्छा इंतजाम किया आप लोगों ने। मैं तो बस नैनी ईजा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी चेली का रिश्ता इतने बड़े और अच्छे घर में हो रहा है। नहीं नहीं, उमा जी, मेरी तीन बेटियां हैं और बेटियां जब विदा होती हैं तो माँ के दिल पर क्या बीतती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरा यकीन मानिए, अब मेरी सिर्फ तीन नहीं बल्कि चार बेटियां हैं और आपका परिवार छोटा नहीं हुआ है बल्कि हम दोनों का परिवार बड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी। अरे यार, मुझसे ही गलती हो गई। मुझे पहले ही पपिट्स को अंदर रख देना चाहिए। अब देखो, भाभी से मिलने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था और मैं ही उनसे नहीं मिल पाया। अब दीपा दी घर आके ताने मारेंगी वो अलग। वैसे युवराज, कुछ तो बात है तेरी भाभी में। जब वीडियो कॉल पे बात करनी थी तब नेटवर्क चले गया और आज जब मिलना था तो बारिश होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ संभालो और मैं जा रहा हूँ होटल भाभी से मिलने। ये सब बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आएगा। प्लीज कुछ खा लेना, तुमने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं, पर हो सकता है ना कि हमारे होने वाले बच्चे को भूख लग रही हो। शादी के बाद ऐसे मनाने नहीं वाला हूं तुम्हें खाने के लिए। नहीं कभी जी, मुझे सच में भूख नहीं है। कथा, खाना तो पड़ेगा। और कोई भी हैवी लिफ्टिंग मत करना, कुछ भी हो वहां पे फोन है, बेल बॉय को बुला लेना। क्या हो गया, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? बस आपको देख रही हूँ कि आप कितने अच्छे हैं कबीर, आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, और मन ही मन ये सोच रही हूँ मैं ये डिजर्व भी करती हूँ या नहीं। आपकी पूरी फैमिली से मुझे इतना प्यार मिला है कि अब जब तक उन्हें मेरी सच्चाई नहीं बता देती मुझे ऐसे ही गिल्टी फील होते रहेगा। जितना ज्यादा इन्हें करीब से जान रही हूँ उतना ही ज्यादा डर लग रहा है ठहरा मुझे। ये बड़े लोग, इतना रुतबा है इनका उदयपुर में, अगर इन्हें पता चल जाए कि कथा शादी से पहले मां बनने वाली है तो क्या ये लोग कथा को अपनाएंगे? वो मुझे अपनाते या नहीं ये तो बहुत बात की बात है कबीर, लेकिन हमारी शुरुआत तो झूठ के बलबूते से नहीं हो सकती ना। आपकी पूरी फैमिली से मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि अब जब तक मेरी सच्चाई उन्हें नहीं बता देती मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील होगा। तुम देखना, दी को ना उनकी पूरी फैमिली अप्रिशिएट करेगी जब सबको पता चलेगा कि दी ने शादी से पहले ही उनको अपनी सारी सच्चाई बता दी। आज हमारी एंगेजमेंट है कभी, क्या उससे पहले आप प्लीज मेरे बारे में आपकी फैमिली को बता दोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चिंता क्यों कर। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें झूठा दिलासा दिला रहा हूँ? कथा, मुझे मेरा वादा अच्छी तरह याद है। एंगेजमेंट से पहले मैं अपनी मासा को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। सगाई से पहले कबीर अपने घर वालों के सामने कथा की सच्चाई रखने वाला है। सब ठीक है। भाभी,